मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो जींस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यानी कि वो जींस को ज़्यादा से ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। जींस की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के वक्त में ये हर किसी की अलमारी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज़ाना जीन्स पहनते हैं, तो आपको ऐसी जीन्स लेनी चाहिए जो कंफर्टेबल होने के साथ साथ टिकाऊ भी हो। इन सब के साथ अगर जीन्स का लुक अच्छा हो तो ये आउटफिट में चार चांद लगा सकता है। परफेक्ट जीन्स खरीदना एक चैलेंज जैसा ही है, इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम बताएं ऐसे टिप्स जिससे आपको जीन्स खरीदते वक्त ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि जीन्स खरीदते वक्त आपको किन किन ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जीन्स खरीदने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि इसमें ये कमी है, ये तो होना ही चाहिए था, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे फैब्रिक की। जी हाँ, जीन्स खरीदने से पहले फैब्रिक को अच्छी तरह से छूकर देख लें, इससे आपको फैब्रिक की क्वालिटी का पता चल जाएगा। फैब्रिक की क्वालिटी पता करने में जल्दबाजी कभी ना करें। जीन्स खरीदने से पहले उसके देश ब्रांड के बारे में जान लें। वैसे जर्मनी के जीन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। जीन्स खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसमें 80 से 100% तक कॉटन मिक्स हो, क्योंकि ऐसी जीन्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी होती है। कई छोटे मोटे ब्रांड कुछ और फैब्रिक को भी जीन्स के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे स्पैंडेक्स, जो देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन फिटिंग में बेकार होती है। अगर जीन्स लिनेन मिक्स भी हो तो एक परफेक्ट फिट देती है। बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट की। हमेशा आप एक जैसी जीन्स मत खरीदिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया ट्राई करें। ज़्यादातर लोग एक ही तरह की जीन्स पहनते हैं, जबकि ये गलत है। इसे साइज़ का पता नहीं चलता, जबकि हर उम्र में शरीर का साइज़ बदलता रहता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जीन्स का साइज़ हमेशा बदलते रहें। बात करेंगे चौथे पॉइंट की। वक्त के साथ कई स्टाइल्स ट्रेंड बन जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो आपको हमेशा इग्नोर ही करने चाहिए, जैसे आपकी बैक पॉकेट डिज़ाइन वाली ना हो, ड्रामेटिक वॉश पैटर्न ना हो, साथ ही ओवर डिज़ाइन ना हो, डिज़ाइन सिंपल और उसका लुक क्लासिक हो। बात करेंगे पांचवे और आखिरी पॉइंट की। जीन्स चुनने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस लिए अपनी जीन्स खरीद रहे हैं। जी हाँ, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऑफिस में कैजुअल थीम के लिए या फिर दोस्तों के साथ डे आउट के लिए किस लिए ले रहे हैं आप जींस। अगर आप ऑफिस के लिए चुन रहे हैं तो आपकी जींस सिंपल और क्लासी होनी चाहिए। अगर दोस्तों के साथ डे आउट पर जा रहे हों तो आप नैरो फिट जींस भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी वो खास ज़रूरी बातें जो जींस खरीदते वक्त आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं अब से आप जब भी जींस खरीदेंगे तो इन बातों पर गौर ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और गौर करने लायक बातों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।